हमारे माननीय सांसद श्री किशन कपूर जी, राज्यसभा की सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी जी, धर्मशाला के हमारे माननीय विधायक श्री विशाल नेहरिया जी और शिमला से हमारे माननीय विधायक अर्जुन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ उपस्थित आपके साथ वर्चुअली हमारे साथ जुड़े माननीय विधायक रविंदर धीमान जी, राजेश ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सोनी जी, उपस्थित सभी भाई और बहन, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम वर्चुअली जुड़ करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर का लोकार्पण, जो 1,71,00,000 की लागत से बनकर के तैयार हुआ, उसका लोकार्पण आज हमने किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश शिक्षा स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय धर्मशाला में जो हमारा शिक्षक सदन बनना है, उसके लिए भी बहुत लंबे समय से आग्रह था कि इसको शुरू किया जाए, ये बनना चाहिए। तो आज उसका 4,90,00,000 की लागत से उसका विधिवत शिलान्यास किया गया, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि मैं ये चाह रहा था कि ये कार्यक्रम हम आपस के इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना जुड़ करके, वर्चुअली न करके, आप सबके बीच में एक्चुअली आकर के करें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात के लिए बार बार आग्रह आ रहा था कि जो आवासीय परिसर है वो बन करके तैयार है, उसकी अलॉटमेंट होनी है और जल्दी करना चाहिए, ताकि वहां हमारे जो है वो जहां जिनको ये अलॉट होना है उनको ये सुविधा मिल सके। उस दृष्टि से हमने तय किया कि इसको विलंब नहीं करना चाहिए और आज हमने इस प्रकार से इस कार्यक्रम का विधिवत जो है उद्घाटन करके, लोकार्पण करके जो है इस परिसर को जो है वो आपके जो है वो उपयोग में लाने के लिए ये कार्य पूर्ण किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि शिक्षा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लिए आज से नहीं वर्षों से एक बेहतरीन क्षेत्र रहा, जहां अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम किया है। अभी भी इंडिया टुडे के जो हमारा सर्वेक्षण है, जो बड़े स्टेट हैं जिन प्रदेशों की जनसंख्या 60,00,000-70,00,000 से ऊपर है, उस श्रेणी के सभी, उसके बाद बड़े राज्यों को भी, उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है और उसमें हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसके लिए भी मैं आप सबको, मंत्रिमंडल के हमारे साथी गोविंद ठाकुर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक शिक्षा में सरकार की सारी उपलब्धियों का अगर हम जिक्र करें, उन सारी विषयों को लेकर के विस्तार से बाद में बात करेंगे जब आपके बीच में आना होगा। और मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं, संभवतः मेरा आना धर्मशाला में बहुत जल्दी होगा, और पार्षद जी का जो प्रवास, क्योंकि पंचायत का चुनाव का दौर बीच में आ रहा है, तो उस दौरान जो है छोटे लोगों, मतलब छोटी छोटी बैठकों में, छोटी छोटी मीटिंग्स करके, जिन जिन लोगों से हमारा मिलना हो सकता है, जनप्रतिनिधियों से, इसके अतिरिक्त और जो हमारे वहाँ उस क्षेत्र के, उस जिले के सभी प्रमुख लोगों से, उनसे बातचीत करने के लिए मैं धर्मशाला बहुत जल्दी आने वाला हूँ। और वैसे भी धर्मशाला कॉरपोरेशन का एरिया है, वहां का चुनाव अभी नहीं है, वहां की चुनाव की तारीखें अभी देर से आती हैं, मार्च अप्रैल में आती हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि संभावना यह भी लगी, इस बार हमने कॉरपोरेशन एक और वहां पर पालमपुर में कांगड़ा जिला में और दी है, वहां पर भी आचार संहिता का असर अभी नहीं होगा, अगर संभव हुआ तो वो चुनाव हो सकता है कि धर्मशाला के चुनाव के साथ हो, मुझे उस बारे में ज्यादा भी कहना उचित भी नहीं है, क्योंकि ये निर्णय चुनाव आयोग करेगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से
स्कूल शिक्षा बोर्ड के सब साथियों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को करना ये हमारे लिए खुशी का विषय है। और स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया जी थोड़े कोविड 19 की चपेट में आए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आज हमारे साथ वर्चुअली वो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, किशन कपूर जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आज के कार्यक्रम में बहुत लंबी बात इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुरंत इसके बाद निकलना है, कहीं मुझे दिल्ली जाना है, तो इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी सारी बातों को लेकर के मैं आपके बीच में जब उपस्थित होऊंगा तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार मैं शिक्षा बोर्ड के किसी कार्यक्रम में आपके कैंपस में आकर के भी रहूं और वहां पर आकर के भी सारी चीजों को लेकर के वहां देखूं, क्योंकि लंबा अरसा हो गया है। धर्मशाला तो हमारा आना जाना होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा आप सबके इस कैंपस में आना नहीं हुआ है काफी लंबे अरसे से। अब की बार हम सुनिश्चित करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मैं जिक्र करूं तो हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े, चाहे वो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, हम केरल के बराबर की स्थिति में आज की तारीख में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केरल नंबर एक पर है, और लेकिन हमारा ये मानना है कि हिमाचल नंबर दो पर नहीं, हम केरल के बराबरी में है अगर आज की तारीख में उसमें सर्वेक्षण की अगर बात हो। और उसके बाद दूसरा जो है फोकस हमारा अब जो है एक्सपेंशन के साथ साथ में अब क्वालिटी एजुकेशन पर हमको फोकस ज्यादा करना है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक वक्त होता था स्कूल खोलने की मांगे ज्यादा होती थी, कॉलेज खोलने की मांगे ज्यादा होती थी, आज के इस दौर में मैं समझता हूं कि कॉलेज और स्कूल खोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि जो खुले हुए संस्थान है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां स्टाफ की स्ट्रेंथिंग उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हम काम करें, वहां पर जो है जितनी भी हमारी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है उन पर हम फोकस करें। क्योंकि अगर क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उनमें यही चीजें महत्वपूर्ण है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में वहां पर स्टाफ स्ट्रेंथिंग उसको स्ट्रेंथन करना और उन सारी चीजों को लेकर के काम करने की जरूरत है, जिसमें अभी तक भी हम कमी महसूस करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए बहुत बड़ी एक देन दी है, नई शिक्षा नीति। और जो नई शिक्षा नीति जो बहुत महत्वपूर्ण है, और लगभग शायद मेखिल में कितने सालों के बाद, 34 वर्षों के बाद 34 ईयर्स के गैप के बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक नए स्वरूप में आई है, और वो स्वरूप मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन आने वाले समय में रहेगा और भारत के नए भारत के जो है वो भविष्य के लिए एक अहम भूमिका भी निभाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा इस बात के लिए जो इनिशिएटिव लेने का, इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करने का एक स्वभाव है, उस दृष्टि से लंबे समय से इस बात के लिए वो आग्रह करते रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री भी हमेशा इस बात को कहते रहते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चीजें ठीक हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को लेकर के परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उसके लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। और वो नई शिक्षा नीति हमारे सामने अब है, उस नई शिक्षा की नीति के अंतर्गत जो है हम आगे बढ़ करके अब काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जिसमें ज्यादा फोकस व्यवहारिक रूप से हम क्वालिटी एजुकेशन पर हम ज्यादा कैसे फोकस करके काम कर सकते हैं। आज इस कंपटीशन की, इस प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मात्र साक्षर होना वो पर्याप्त नहीं है, साक्षर होने से ज्यादा महत्वपूर्ण वाली है कि दुनिया की दौड़ में अगर हमने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है, उनके साथ चलना है, उनसे आगे बढ़ना है, तो फोकस हमारा क्वालिटी एजुकेशन पर होगा, वो होना भी चाहिए। और उसी पर हमको फोकस होकर के काम करने के लिए आने वाले समय में हमने जो है प्रयत्न करना है। और कोविड के चलते जिस प्रकार का जिक्र माननीय हमारे मंत्री गोविंद ठाकुर जी कर रहे थे, हम बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर करके आगे बढ़ रहे हैं। लगभग एक वर्ष हमारा कोविड के चलते पूरी तरह से कामकाज में बहुत सारी बाधाएं आई, कामकाज में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बात को सुनिश्चित किया दौर वो भी चलता रहे लेकिन काम नहीं रुकेंगे, विकास नहीं रुकेंगे। प्रभावित जरूर हुए काम, विकास प्रभावित जरूर हुआ थोड़े वक्त के लिए, लेकिन उसके बावजूद
हमारा काम करने का जो है वो मकसद जो है वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी बुलंद रहे, उस बात को लेकर के हम आगे काम कर रहे हैं। मैं आज ही कह रहा हूँ कि इससे पहले जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस तीन विधानसभा क्षेत्र की हमारी सोलन जिला में थी, लगा एक साथ तीन विधानसभा क्षेत्र के, तो तीन विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज हुए हैं। मैं इस बात के इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो लेकिन संकट अपनी जगह, काम अपनी जगह, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काम करने की इस चुनौती को हमको लेना चाहिए और आपको काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहा है इस COVID-19 के इस संकट में, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। अभी भी हम उस दौर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, भले ही पिछले दिनों मामले में बढ़ोतरी हुई, इन दिनों में कुछ मामलों में हमने सख्ती करने के बाद जो है उसमें कुछ सारी चीजों को लेकर के कुछ नियमों में सख्ती की है और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की है, उनका परिणाम सामने आ रहा है क्योंकि गिरावट आ रही है पिछले कुछ दिनों से कोविड के सारे मसलों को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको बहुत सावधानी के साथ काम करना है। स्कूल में बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित हुई है और प्रभावित होने के बावजूद भी हमने उस शिक्षा को जो है वो बच्चों तक जो है वर्क फ्रॉम होम एक कॉन्सेप्ट जो है कर्मचारियों के लिए भी जहां था और वहां उस हिसाब से जो है बच्चों की पढ़ाई जो है हर घर पाठशाला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, और मुझे लगता कि वो जो किया जा सकता था ऐसे हालात में ऐसी परिस्थितियों में वो हमने करने की कोशिश की है। हम उसके बावजूद भी इस बात से सहमत हैं जो बच्चा आकर के स्कूल में पढ़ता है, जो वहां पर वो सीखता है, वहां वो समझता है, वो एक अलग तरह की परिस्थिति है, वो तो एक बहुत बेहतर तरीका होता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम बच्चों को बिल्कुल ऐसा भी नहीं ये छोड़ दें कि ताकि वो जो है वो उसकी पढ़ाई बिल्कुल बाधित हो जाए, ऐसी परिस्थिति हमने नहीं आने दी संकट में भी। और उसकी वजह से मुझे इस बात का संतोष है कि घर में बैठ करके भी बच्चों ने पढ़ाई की है ऑनलाइन, और उसमें काफी हद तक सफलता भी हासिल हुई है और काफी बच्चों ने मेहनत भी की है। मैं अभी देख रहा था कि कुछ एक जो हमारे इसके दौर हुए हैं, परीक्षाओं के दौर हुए हैं, टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो बच्चे अच्छा उसके बावजूद भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में जहाँ पर नेट की सुविधा ठीक नहीं है, कोई गरीब है तो उसके वहां पर वो उस सुविधा का वो लाभ नहीं ले पा रहा है किसी वजह से, तो उन लोगों को परेशानी स्वाभाविक रूप से इसमें इस दौर में आई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ये COVID-19 का ये दौर समाप्त होगा और उसके पश्चात जो है हमारे सारे संस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएंगे, और नॉर्मल फंक्शनिंग में आने के पश्चात जो पढ़ाई को अगर कोई क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी हम पूर्ति करने की परिस्थिति में हो पाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा न कहकर के आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये दो चीजें, एक जो हमारा आवासीय परिसर का लोकार्पण हुआ और दूसरा जो है हमारा धर्मशाला में जो शिक्षक सदन जो है यहाँ बढ़ने की मांग वर्षों से चल रही थी 4,90,00,000 की लागत से, उसका हमने शिलान्यास किया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके पश्चात हम धर्मशाला में आएंगे आप सबसे मिलने के लिए, बातचीत करेंगे और वहाँ और जो विकास की सारी चीजें होंगी उन सारी चीजों को लेकर के वही मिलकर के करेंगे। आप सबको आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उसके साथ आने वाले समय में जब मिलना होगा तब तो सारी बातें करेंगे। माननीय सांसद किशन कपूर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी आभार, और हमारे स्थानीय विधायक जो है वो कोविड के संक्रमण में आने के बावजूद भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्वस्थ हैं और उनके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। और उसके बाद फिर जब मिलना होगा तो मिलकर के बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।